के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे शैम्पू शेयर करूंगी जो कि आपके बालों के झड़ने की समस्या को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके हेयर स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ गए हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के अंत में एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा भी बताऊँगी जो कि आपके टूटे हुए बालों को वापस लाने के लिए कारगर नुस्खा है। तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए बिना शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी सेकंड स्किप करते हो तो आप अपने बालों के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ करने वाले हो। बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जो कि हर वर्ग को परेशान करता है, बच्चे बूढ़े नौजवान, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, मतलब आपके बाल बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गए हैं, तो वो भी जो सारे रीज़न है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि अगर आपको एक दिन में 100 हेयर फॉल हो रही है तो आपका जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा आपके हेयर फॉल हो रही है तो आपको अपने हेयर को बचाने में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते जाओगे तो फ्यूचर में हो सकता है कि आप गंजेपन की भी शिकायत हो सकती है आपको। तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सोते टाइम आपके पिल्लो के कवर पे बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं, आपकी कार के सीट पे बहुत सारे आपके बाल गिरे हुए हैं, तो उस कंडीशन में प्लीज़ आप अपने इन सारी प्रॉब्लम इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, और अपने बालों को टूटने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर से जरूर करिएगा, नहीं तो आपको हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। मैं आपको शैम्पू और नुस्खा बताऊं उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके हेयर फॉल आखिर होते कैसे हैं। तो सबसे पहला रीजन आता है स्ट्रेस। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हो, चाहे वो पैसे के कारण हो या फिर कोई और अदर स्ट्रेस, जैसे कि बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इन सारी चीज़ों से वह स्ट्रेस लेने लगते हैं। सेकंड है दवाइयों का सेवन, क्योंकि दवाइयों में बहुत सारा केमिकल यूज किया जाता है जो कि आपके बॉडी के बुखार को दर्द को तो ठीक कर देता है लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट है वो सीधे आपके बाल पर पड़ता है। और जो थर्ड रीजन है वो आप अनियमित रूप से अपना खाना खाते हो, भोजन ग्रहण करते हो, जो आपका डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं रहता है। और जो चौथी है कि बहुत सारे लड़कियां क्या करती है कि अपने बालों को सुखाने के लिए बहुत सारे मशीन, हेयर ड्रायर का यूज़ करती है, हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करती है, तो वो सारी चीज़ें भी उतनी जिम्मेदार है जितना कि आपका डाइट और आपका स्ट्रेस लेवल। अब जल्दी से बात कर लेते हैं शैम्पू के बारे में। जो पहला शैम्पू है वो है हिमालय जेंटल बेबी शैम्पू। ये स्पेशली बेबीज़ के लिए फॉर्मुलेटेड है। इसमें प्रोटीन और बहुत सारे हर्बल इन्ग्रीडियंट है जो कि आपके हेयर को सॉफ्ट स्मूथ बनाते हैं। सेकेंड है आयुर का हर्बल शैम्पू। इसमें आंवला, सिकाकाई, रीठा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा कंडीशनर होता है और ये सारे स्कैल्प के लिए स्वेटेबल है। जो थर्ड शैम्पू है वो है बायोटिक का सोया प्रोटीन शैम्पू। ये जो शैम्पू है वो स्पेशलाइज्ड है ड्राई स्कैल्प बालों के लिए। इसमें सोया प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट है प्लस ब्लैकबेरी और वाइट टर्मरिक इसमें यूज किया गया है। अब जो फोर्थ शैम्पू है वो है खादी का आंवला और भृंगराज शैम्पू। आंवला और भृंगराज हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इसमें सिकाकाई भी यूज किया गया है। और ये जो शैम्पू है वो ड्राई स्कैल्प बालों के लिए है और ये काफ़ी माइल्ड शैम्पू है, आप इसे रोज भी यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट शैम्पू है वो है हेड एंड शोल्डर। अगर आप डैंड्रफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो, आपकी हेयर काफ़ी फ्रिज रहती है, ड्राई रहती है, तो ये वाला शैम्पू आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करती है और साथ ही साथ ये जो शैम्पू है स्पेशलाइज्ड है ऑयली हेयर के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भी हेयर टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो पाँचों शैम्पू बताया है वो आपके हेयर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा सुइटेबल और माइल्ड शैम्पू हैं। बालों को गिरने रोकने या फिर उसे मजबूत करने के लिए जितना आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बालों में कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप अपने हेयर में वॉइलिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपके जो स्कैल्प है वो मॉइस्चर रहेगी,
वो आपके जो फॉलिकल्स है उसे स्ट्रॉन्ग करेगी, और आपका जो 50% हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर ऑयलिंग ना करने की वजह से होती है। तो सिंपल से, अब हेयर ऑयलिंग कितनी बार करना है, तो सिर्फ और सिर्फ वीक में आपको 2 बार ही हेयर ऑयलिंग करना है। अगर आपके स्कैल्प ड्राई रहती है तो आपको वीक में 3 बार हेयर ऑयल कर सकते हो। अब एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने हेयर में हेयर ऑयलिंग करते हो तो उसे कब तक रखना है। तो हेयर में हेयर ऑयल जब आप करते हो तो उस हेयर ऑयल को सिर्फ और सिर्फ बाल धोने के 1 घंटा पहले अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने बाल में बहुत सारा ऑयल अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद उसे रात भर छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ा आपके हेयर फॉल का रीजन हो सकता है। अब बारी आती है एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा का, जिसे आप यूज करोगे तो आपके हेयर की जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल से 4 से 5 लहसुन की कलियां लेनी है, उसे आपको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद उसका जूस आपको निकाल लेना है। लगभग उससे आपको 1 टीस्पून जूस निकल जाएगा। अब उस जूस को आपको क्या करना है कि जितना आप अपने हेयर में हेयर ऑयल अप्लाई करते हो, स्पेशली ये काम आपको कोकोनट ऑयल में करना है, लेकिन अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आप हेयर ऑयल अप्लाई करते हो उसमें वो 1 टीस्पून आपको मिक्स कर लेना है लहसुन का पानी, और उसके बाद उसे थोड़ा सा हल्का गुनगुना कर लेना है डबल बॉइलिंग प्रोसेस से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद इसे आप अपने हेयर स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर लीजिए, और आपको इन्वर्स मेथड जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है वो वाला फॉलो करना है, और आप देखोगे कि 1 से 2 मंथ में ही आपकी जो हेयर की समस्याएं हैं, हेयर फॉल होना, डैंड्रफ होना, डैंड्रफ में भी 2 प्रकार के डैंड्रफ होते हैं, एक होती है जो ड्राई डैंड्रफ होती है, एक होती है जो ऑयली डैंड्रफ होती है, तो दोनों डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर, मुलायम, घने और लैस्ट्रस बन जाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में, तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय।